नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल एस्क्लेपियस आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं AWPL के प्रोडक्ट्स को अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। इसके अलावा हम बताएंगे कि AWPL के प्रोडक्ट्स को जब आप ऑनलाइन करते हैं, ऑर्डर कर देते हैं और उसका पेमेंट कर देते हैं, आफ्टर पेमेंट आपको क्या करना होता है, कैसे आपको ईमेल करना है, कैसे प्रोडक्ट को ग्रीन कराने के लिए या होल्ड कराने के लिए उसके SP को क्या करना होता है, किस तरह से ईमेल और किस किस ईमेल ID पे आपको संपर्क करना होता है, ये सारी बातें हम आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इसके बाद हम अनबॉक्सिंग करके भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो में हम चलते हैं और आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे अनबॉक्सिंग करके, उसके बाद हम बताएंगे कि ईमेल कैसे करना है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये AWPL से हमने एक प्रोडक्ट मंगाया है। इसको हम अनबॉक्सिंग करके देखेंगे इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। आप देख सकते हैं, ये एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की पैकिंग है। अब हम इसको थोड़ी देर में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। देख सकते हैं आप, ये हमने अब कट करना चालू किया। ऊपर कितना अच्छा पैकिंग किया गया है कि बारिश वगैरह में भी ये प्रोडक्ट्स को नुकसान नहीं पहुँचेगा। पूरा पॉलिथीन से ही पैक किया हुआ है। इसके बाद हमने पॉलिथीन हटाया इसके ऊपर से, देन आप देख सकते हो कितना अच्छा पैकिंग किया हुआ है। स्टिकर्स भी लगे हुए हैं एस्क्लेपियस के, ये आप देख रहे हो एड्रेस हैं, है ना। अब हम इसका मेन यहाँ से टेप हटाते हैं और इस बॉक्स को हम अब खोलने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा और कट करने की ज़रूरत है। हाँ, ये हमने कट किया, देख सकते हो आप। ये प्रोडक्ट हमने इसमें मंगाया है, ये JC ऑयल है, है ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो, ये ओमेगा डॉक 3 है और ये स्लिप है। इसके अलावा ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट। यही हम तीन प्रोडक्ट्स मंगाए थे, दो JC ऑयल और एक ओमेगा डॉक 3। ये हमारा इनवॉइस है ना, आप देख सकते हो इसको। एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से यह है इनवॉइस। तो दोस्तों, आपने देखा प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग हमने कैसे की। अब इसके बाद हम देखेंगे आफ्टर पेमेंट, जब हम ऑर्डर करते हैं प्रोडक्ट को मंगाने के लिए AWPL के साइट से, तो पेमेंट करने के बाद हमें उस ऑर्डर को कैसे ईमेल करना है, किस ईमेल आईडी पे मेल करना है। सबसे पहले हमको उसको प्रोडक्ट के ऑर्डर को अप्रूव्ड कैसे कराना है, अप्रूव्ड के लिए कौन सी ईमेल आईडी का इस्तेमाल करेंगे, और प्रोडक्ट को डिस्पैच कराने के लिए कंपनी से अपने एड्रेस पे डिस्पैच कराने के लिए किस ईमेल आईडी का यूज करेंगे, ये अब हम जानेंगे। दोस्तों, जब हम प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देते हैं तो हमको ईमेल करना होता है आईडी ग्रीनिंग सेक्शन में। इस ग्रीनिंग सेक्शन में हम जब ईमेल करते हैं तब जाके हमारा जो ऑर्डर है वो अप्रूव्ड होता है। अप्रूव्ड होने के बाद ही हम उस प्रोडक्ट को डिस्पैच कराने के लिए ईमेल करेंगे। तो ये हमारा आईडी ग्रीनिंग सेक्शन का ईमेल आईडी है, नीचे में ऊपर में कॉन्टैक्ट नंबर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट का, जब हम ऑर्डर अप्रूव्ड करा लेते हैं, हमारा ऑर्डर जब अप्रूव्ड हो जाता है तो उसको हम दूसरे जो ईमेल आईडी जिससे हम डिस्पैच करने के लिए कंपनी से रिक्वेस्ट करते हैं, वो कौन सा ईमेल आईडी है। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हो प्रोडक्ट सेक्शन, प्रोडक्ट सेक्शन का ईमेल आईडी हम यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को अपने एड्रेस पे कुरियर कराने के लिए। ऊपर में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, नीचे में ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप इसे कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट को डिस्पैच कराने के लिए, आपके एड्रेस पे कंपनी डिस्पैच कर देगी प्रोडक्ट को। तो दोस्तों, आपने आज के वीडियो में देखा, हमने अनबॉक्सिंग किया, AWPL का प्रोडक्ट मंगाया और उसको अनबॉक्सिंग करके दिखाया। इसके अलावा हमने आपको बताया कि AWPL कंपनी में ऑर्डर को अप्रूव्ड कैसे कराते हैं, किस ईमेल आईडी का यूज करते हैं। इसके अलावा उस प्रोडक्ट को जो हमने अप्रूव्ड कराया और इसे कैसे हम अपने एड्रेस पे कंपनी के द्वारा किस ईमेल आईडी की मदद से हम अपने एड्रेस पे कुरियर को मंगा सकते हैं। एंड लास्ट दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।